बन जाएगा, छह दावे का ऑर्डर है। बढ़िया, अरे ये रीजन अच्छा सा तरह रखे। तो ये चील काट की पतंग रहने वाली हमारे प्रयाग। देख लीजिए होटल हरी प्योर को, राइट आ चुके हैं हम होटल हरी प्योर को के पास। और यहाँ आने का मतलब है कि हम पहाड़गंज में आ चुके हैं, और पहाड़गंज में हम कवर करने वाले हैं मोनू, राइट। मोनू का एक शॉप, शॉप सिंस 1948, बहुत पुरानी पतंग की दुकान है। लास्ट टाइम कवर किया था, बताया था कि कैसे कैसे यहाँ पे पतंग की दुकान आई है और कितने टाइम से है, क्या रहा हिस्ट्री, और प्लस बड़ी पतंग बनाते हैं खासकर ऑर्डर के ऊपर। और अभी सीज़न आ रहा है तो आपको यहाँ पे भैया मंजोली अद्दी और कुछ मांझे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मोनू भैया खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वहाँ पे ऊपर 1948 से मशहूर पतंग बनाने में माहिर हमारे उस्ताद केहर सिंह, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए पूरा। और ये एड्रेस है, ये बड़े अपना गली डोर वाली मेन बाज़ार पहाड़गंज। और ये हमारे मोनू भैया खड़े हैं यहाँ पे, तो आज इनको कवर करेंगे और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रहता है और क्या क्या नया कवर कर सकते हैं। और ये हमारे कृष भाई खड़े हैं जो बताया था कि लास्ट टाइम पतंग बनाते हैं, इनकी पतंगें भी कवर की थी। और ख़ासकर ये देख लीजिए भैया कि आपसे रिक्वेस्ट है कि चाइनीज़ प्लास्टिक मांझे को बिल्कुल भी ना मांगे, यहाँ कॉटन का मांझा मिलता है तो वही लीजिए। और डेफिनेटली बहुत ख़तरनाक है और कहीं ना कहीं बैन भी है पूरी दिल्ली के अंदर, तो अगर आप उड़ाएँगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई भैया कार्रवाई भी हो सकती है। देख लीजिए भैया सब कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने से पहले सोच समझ के आइए। इवन आप कॉल भी कर रहे हैं तो सोच समझ के कॉल कीजिए कि यहाँ मिले खाली कॉटन का मांझा और पतंगे मिलेगी आपको यहाँ पे। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ और आपको मिलवाते हैं मोनू भैया से, माइक लगाते हैं, हैंड ओवर करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं क्या क्या कवर रहने वाला हमारे यहाँ पे आज। मिलवाते हैं आपको मोनू भैया से जो इस टाइम पे ऑन करते हैं इस पुरानी पतंग की दुकान को जो है सिंस 1948, साथ में कृष भाई खड़े हैं। तो मोनू भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सर। चलिए मोनू भैया, तो आज अब 15 अगस्त का ऑलमोस्ट, ये जुलाई खत्म हो चुका है, आज 28 तारीख हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब 15 अगस्त को बहुत कम टाइम रह गया है, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती जाएगी, पतंग की डिमांड बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मांझों की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अपने पास इस बार सीजन के लिए क्या क्या लेके आए हैं अपने यहाँ? अभी दिखाते हैं सबसे पहले बच्चों के लिए नया तोहफा, फाइबर की चरखी जो हर छोटे से लेके बड़े पतंग उड़ाने तक जो काइट फाइटर्स हैं उनकी भी शौक रहता है कि हाँ फाइबर की चरखी हमारे पास होनी चाहिए। Okay. अब ये छोटे से बच्चों के लिए भी आई है, ओनली 40 रुपीज। दिखाएंगे कॉल के साथ, थोड़ा सा एक बार निकाल के दिखा देंगे। देख रहे हैं छोटी सी चरखी है फाइबर की, बता रहे 40 रुपए की रहेगी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी छोटा बड़ा सद्दी भरवा के मांझा भरवा के उड़ा सके। इसमें एक रील जिसने भरवानी है पूरा एक रील मांझा आएगा। अच्छा, एक आ जाएगा इसके अंदर 1 2 3 का एक रील। बहुत बढ़िया। और इसमें कलर्स मिल जाएंगे? इसमें कलर्स मिल जाएंगे, 5-6 कलर्स हैं, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, पर्पल है। कुछ जैसे आपको मैं देख रहा हूँ हाथ में एक ब्लू है, 5 mm की शीट है इसकी। अच्छा, 5 mm की शीट, 5 mm की शीट पर रहेगी, 70 रहने वाली, राइट। 30 और 70, 30 से 60 है ना छोटी की, 40 एंड 70 से स्टार्ट रहेगा। अब ये 6 रील की आ गई, देख लीजिए, ये भी 5 mm की शीट पर है, ये देख लीजिए 5 mm, और फिर भी ट्रांसपेरेंट रहेगा इसके अंदर भी। इसमें 5 mm भी और 6 mm भी है, इसमें दो हैं। तो ये कितनी की रहेगी? 90 रुपीज ओनली। 90, तो 40, 70 एंड 90। चलिए अब क्या लेके आ रहे हैं? उसके बाद ये आएगी 9 रील की चरखी। 9 रील इसको खोल कर दिखाएंगे भैया थोड़ा सा। हाँ जी, नौ रील की चरखी रहने वाली है, ये 160 रुपए की, 160 की। तो इस पे सद्दी वद्दियां भरवा सकते हैं आराम से सीजन के लिए, और साथ में फिश भी कुछ ट्रांसपेरेंट मिले आए थे, सेम नौ रील में लेके आए हैं, बहुत प्रोएक्टिवली काम करते हैं साथ साथ में। ये 180 रुपीज की है, जिसमें ये ब्रास के इसमें अच्छा स्टॉपर्स लगे हुए रहेंगे। चलिए, तो ये 180 की रहने वाली। हाँ, और ये 8 mm की शीट पर है। ओके, तो ये थोड़ा सा पैसे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, और ये 12 रील की चरखी है बैत की डंडी के ऊपर। ओके, प्रॉपर बैत की डंडी रहेगी, देख लीजिए। और ये 10 mm की शीट है इसकी।
तो हम मैदान जाते तो सदियों जी भरवा के इसमें आराम से ले जा सकते हैं। हाँ जी। और 10 mm की रहेगी तो भैया ये कितने की रहने वाली है? 350 रुपीज़ की रहने वाली है। तो सद कहीं ना कहीं हमारे 40 रुपये स्टार्ट हो जाएगी बच्चों के लिए और 350 तक जाएगी। हाँ जी। कुछ डिजाइन विजाइन कुछ और भी रहेंगे इसमें, कलर्स मिल जाएंगे। कलर्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। चरखी यहाँ भी खाली चरखी ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगी, एक रील की चरखी और बुलेट आ गई इसमें दिखाई थी हमने आपको चरखी एक रील की जिसमें आपको एक रील मिल जाएगी। और अब कंटिन्यू करते हैं पतंगों की तरफ क्योंकि डिमांड है मंजोली अद्दी की। तो भैया मंजोली में क्या दिखा रहे हैं? ये रामपुर की मंजोली है। ओके। रईस भैया की 5 रुपए, रईस रामपुर 5 रुपए, 5 रुपए की स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कलर कौन कौन से रहेंगे भैया? एक कलर ये रहेगा, एक कलर ये रहने वाला है और एक कलर ये रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा पतंग को। तो भैया रईस की पतंग रहने वाली है 5 रुपए की रामपुर से, राइट भैया? इसमें 4-5 अभी कलर और हैं। ओके। वो मिल जाएंगे और मिल जाएंगे। तो मंजोली में क्या क्या मतलब 5 की स्टार्ट है मंजोली में, इससे ऊपर भैया अभी 6 वाली, चलिए दिखा दीजिए 6 वाली मंजोली कौन सी रहेगी। तो 5 के बाद चलते हैं 6 वाली मंजोली के ऊपर। तो भैया 6 वाली मंजोली कहाँ की रहने वाली है? बरेली की। बरेली की रहेगी। तो पतंग दिखाते हैं आपको, देख लीजिए भैया 6 वाली पतंग ये रहने वाली है। इसमें डिजाइन कितने रहेंगे भैया? इसमें 5-6 डिजाइन है। चलिए एक ये हो गया, एक तोहफा हो गया आपका, ये कलर बहुत चल रहा है आजकल, बारगंडी कलर बोलते हैं, कैसे स्पाइसी कुछ बोलते हैं ना, राइट। और एक ये हो गया, एक पतंग में पतंग हो गई। तो ये सब 6 की रहने वाली और मंजोली रहेगी आपकी कहीं ना कहीं बरेली की हमारी। देख लीजिए भैया चप मिल जाएगी, कमान ठड्डे छिले हुए हैं सारे। ओके। ठड्डा इनका नॉर्मल होता है, कमान इनकी जो है बहुत अच्छी सिकाई करके और छील के लगाई होती है। ओके भैया 6 में आपको मिल जाएगी कमानी सिकाई वाली। तो 5 और 6 की रहेगी मंजोली भैया। इसके बाद कुछ मंजोली में हो? मंजोली के बाद फिर अद्दी आएगी। अद्दी आ जाएगी। तो अद्दी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 रुपये। 8 रुपये की अद्दी रहने वाली है। और कहाँ की रहेगी अद्दी वाली? ये बरेली की अद्दी रहेगी। बरेली की अद्दी दिखा देते आपको, कलर देख लीजिए ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला। और पतंग देख लीजिए एक पास से, कमान देखिए पूरी, कमान देखो पूरी साफ करके अच्छी तरह छील के सिकाई करके लगाई हुई है। चलिए तो 8 रुपये में रहने वाली है वाली, एक कलर मिल जाएगा। ये भी 8 वाली भैया? 8 रुपये। तो मोनू भैया दिखा रहे हैं आपको 8 रुपये की अद्दी जिसमें बरेली की रहेगी। और काम देख लीजिए पतंग की फिनिशिंग देख लीजिए आप, और हल्की धूप जरूर लगाइए जब भी आप लेके जाएंगे। थोड़ा मौसम की वजह से क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है दिल्ली में, तो थोड़ा सा सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी पतंग उड़ाएं तो 15-20 मिनट के लिए इसको हवा जरूर लगवाएं। डेफिनेटली। और देखिए मांगदा, मांगदा बोलते हैं भैया? हाँ जी मांगदा। तो ये सब 8 के रहने वाले हैं, राइट? दिखाई थी आपको 8 रुपये की अद्दी। अब भैया क्या लेके आए अद्दी के अंदर आप? ये चील काट में इलाहाबाद की अद्दी, प्रयागराज की। कलर देख लेते हैं भैया, एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं पतंग का, पूरा फर्मा दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा दूर होके। तो ये चील काट की पतंग रहने वाली हमारे प्रयागराज से। और इसमें कलर कौन कौन से रहेंगे भैया? कलर ब्लैक आ गया, देखिए पूरी ब्लैक मिल जाएगी, पूरी ब्लू में इसमें। और एक ये पूरा प्योर ब्लैक हो गया ये वाला, व्हाइट पत्ता साथ में, सॉरी। इसमें 3-4 डिजाइन है, ज्यादा डिजाइन नहीं है। इसका रेट है मात्र 10 रुपए। और जो एक डिजाइन ये लगा हुआ है, राइट, देख लीजिए। हाँ ये रखा हुआ, ये आ गया इनके हाथ में। तो ये पतंग यहाँ पे है। तो ये 10 रुपए की रहने वाली है, प्रयागराज की चील कट अद्दी रहने वाली है। तो अद्दी अभी हमारे पास 8 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और प्रयागराज की हम दिखाई 10 रुपए की। उसके बाद कौन सी अद्दी लेके आ रहे हैं? उसके बाद प्रयागराज की फिर एक अद्दी आ रही है जो फैंसी, जो काइट अपना फाइटर्स करते हैं उनके लिए, जो बहुत अच्छी पतंग है छतों का शौक करने के लिए, मैदान में भी लड़ाई जाती है, जो फैंसी कमान ठेट है जिस पर काम किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो भैया ये देख लीजिए, ये आपके लिए प्रयागराज की रहने वाली है। ये एसके मोनू की काइट है, एसके मोनू की अद्दी, बढ़िया। और इसका प्राइस रहने वाला है 16 रुपए, 16 की रहने वाली है। एक ये रहेगा, ये नाजिम मुरादाबाद, नाजिम मुरादाबाद, ये कितनी रहेगी भैया? 16 रुपए, 16 रुपए रहने वाली है। तो मिक्स एंड मैच मतलब मुरादाबाद प्रयागराज की मिक्स होकर आ रही है। ये कहाँ की भैया? ये रईस मुरादाबाद, रईस मुरादाबाद, 16 रुपए, 16 रुपए, बढ़िया। ये फहीम, फहीम की पतंग हो गई है, 16 रुपए। ठड्डे पे देखिए भैया, बढ़िया सुईदार ठड्डा लगा रखा है इसके ऊपर, 16 रुपए, सुईदार ठड्डा लगा हुआ है। 16 में काफी वैरायटीज हो गई है वो देखा जाए तो। ये कहाँ की रहेगी भैया? ये प्रयागराज की, प्रयागराज की, ये गोल फर्मे पे है। ये कितने की रहेगी? 16 रुपए, दुग्गा आ गया, राइट। ये हमारे ब्रजेश भाई की पतंग रहने वाली, देख लीजिए प्रयागराज की। ये कितने की रहेगी भैया? 17 रुपए। ये नाजिम का, नाजिम रहने वाला गोल फर्मा, बढ़िया।
बैटरी कितने रहेगा भैया नादिम का? 16 रुपए आपको पौना। तो भैया आप पौना कहाँ का लेके आ रहे हैं आप? ये बरेली का पौना है। प्राइस रहेगा भैया पौने का? मात्र 12 रुपए। 12 के अंदर। तो इसमें डिजाइन दिखाएंगे भैया? ये छत पे उड़ाने के लिए, ग्राउंड में उड़ाने के लिए, आप कहीं भी उड़ाएं इसको। ओके, पतंग बहुत बढ़िया है और 12 रुपए में पौना बहुत अच्छा है ये। चलिए तो डिजाइन दिखा देखिए, तोकिया मिलेगा ये। ओके, एक ये रहेगा डिजाइन, डिजाइन ये देख लीजिए, ये आ जाएगा रहेगा। अब ये आगे डिजाइन के अंदर एक ये रहने वाली है, बढ़िया। तो सब ये 12 रुपए रहने वाले भैया? 12 रुपए। अगर सस्ती पतंगे चाहिए आपको छत पर उड़ाने के लिए, बड़ी पतंगे, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं और रहेंगे ये 12 रुपए के अंदर। और इसमें ये एक डिजाइन ये भी आया स्टार, सेम डिजाइन नीचे वाले मेरे ख्याल से। तो भैया ये रहेंगी पोनी 12 रुपए के अंदर आपकी। पौना लखनऊ का रहेगा और इसमें 17 रुपए पौना है ये वाला। ओके, इसमें डिजाइन बहुत अलग अलग हैं, मैं दिखा दूँ भैया। देखो लखनऊ की जो पहचान रहती है यहाँ पे, वो लगाते हैं चिप, लगाते हैं मतलब चिप ही लगाते हैं थोड़ी नोट चिप। और इसमें डिजाइन ये वाला मिल जाएगा, एक ये बहुत क्या डिजाइन है, 17 रुपए के अंदर। 17 की रहने वाली है? 17 रुपए, बढ़िया। और उसके बाद क्या दिखा रहे भैया? और ये ईमानदार, तो 3 डिजाइन हो जाएंगे इसके अंदर। ये भी और भी है, ओके, ये 4 तो क्रिश भी सपोर्ट करे साथ में यहाँ पे, तो 4 और ये 5, मतलब कलर चेंज हो जाएगा। अरे वाह बढ़िया। तो ये सब रहने वाली है 17 रुपए के अंदर। 17 रुपए में और भी है, बढ़िया। अरे ये डिजाइन अच्छा, 17 रुपए के अंदर लाजवाब। ये भी 17 का रहने वाला है? 17 रुपए। लखनऊ की पतंग 17 रुपए के अंदर। लेकिन ये मांगदार ये वाली कुछ लिमिटेड है। ओके, और जो भी मांगे तो सिर्फ ये डिमांड ना करेगी, सबको सिर्फ मांगदार ही चाहिए। थोड़ी बहुत सबको देंगे लेकिन मिक्स करके देंगे। चलिए, तो ये भी आ गए 17 रुपए के मुड्डे वाली। अब दिखाते हैं, वाह। तो भैया 17 रुपए में बहुत डिजाइन आ गए हैं, वो भी पौने के अंदर। ज्यादातर मंजोली हद्दी में देखने को मिलते हैं, तो पौने में भी इतने डिजाइन, तो ये सब 17 की रहने वाली है। कुछ बता रहे इसके अंदर प्लेन ही मिल जाएगी, तो बिल्कुल प्लेन, मतलब गोल्ड फर्मा प्लेन, लाल पत्ता। चलिए बहुत बढ़िया। तो मोनू भाई 17 रुपए में बहुत डिजाइन दिखाए पौने के, लखनऊ के। तो अब कहाँ की लेके आ रहे हैं? ये भी लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की रहेगी। पतंग देख लीजिए भैया, अड्डा दिखाते हैं आपको, कमाइन देख लीजिए, पूरा फर्मा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो भैया ये लखनऊ में कितने की रहने वाली? लखनऊ की 16 रुपए। 16 रुपए की पहले दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैंने वो दिखा दी भैया, कोई बात नहीं। तो 16 में ये प्लेन रहेगी या ये प्लेन और येलो पत्ता? येलो पत्ता रहेगा। तो भैया 16 वाले में आपको डिजाइन नहीं मिलेंगे, कलर्स नहीं मिलेंगे, खाली प्लेन मिलेगी। और ये भी 16 ही है? 16 रुपए। देख लीजिए पूरा ब्लैक हो जाएगा, पत्ता पूरा ब्लैक हो गया इसके अंदर, बढ़िया भैया। तो ये 16 की हो गई ये भी? हाँ, इसमें 2 ही है ये। अच्छा, अब आगे 16 रुपए, काला पत्ता और पीला पत्ता। पीला पत्ता, अब आगे चलते हैं। अब बड़ा फर्मा दिख रहा है जिसमें पत्ता भी बड़ा दिख रहा है मुझे, ये गोल फर्मे की लास्ट भी आपने कवर की थी। अब ये और पतंगे आई हैं दोबारा। देखा तो मैं मोनू काइट सेंटर, इनका फोन नंबर लिखा हुआ है और पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, गली डोर वाली। सबसे इजी है भैया, पूरा रिक्शे वाले भी जानते हैं कि होटल हरी प्यार को, प्योर को राइट, वहाँ बोलेंगे तो सीधा आपको यहीं उतारेंगे। तो भैया ये पतंग कहाँ का रहेगा और कितने का रहेगा? ये इलाहाबाद का पतंग है और 18 रुपए का। 18 रुपए का रहने वाला ये वाला। चलिए देखिए भैया, पीछे ट्रैफिक आ गया। 18 रुपए का रहेगा पौना। अब कंटिन्यू करने से पहले भैया एक बार पूरा एड्रेस बता दीजिए, नियर बाय मेट्रो स्टेशन बता दीजिए, कैसे आना होगा यहाँ पे? 788 गली डोर वाली, मेन बाजार पहाड़गंज, नियर बाय होटल हरी प्योर को, 6 टूटी चौक। ओके, मेन बाजार 6 टूटी चौक। ओके, दिल्ली मेडिकोस की एक मेडिकल शॉप है बहुत बड़ी, उसके साथ में गली डोर वाली है, जस्ट एंट्री करते ही सामने आपको शॉप दिखाई दे जाएगी। चलिए, अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो पहाड़गंज का जो मेन एंट्री गेट है, एक नंबर गेट, उसके सामने बाजार है। आप बाजार में आए, 200 मीटर अंदर है, जस्ट 2 मिनट्स की वॉकिंग है। आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से भी जस्ट 10 रुपए रिक्शे वाला लेगा और आपको यहाँ उतार देगा, बिल्कुल बाहर ही उतारेगा, बिल्कुल बाहर उतार। राइट, थैंक यू मोनू भैया एड्रेस बताने के लिए। बाकी अगर आप गूगल पे लोकेशन लगाएंगे तो खाली होटल हरी प्योर, होटल हरी प्योर को, तो सीधा यहीं पहुंच जाएगा। बाकी भैया को फोन कीजिए, भैया बाहर गली बिल्कुल सामने दिखती है पतंग की दुकान, ऐसी बात नहीं है। तो भैया 18 रुपए का पौना दिखाया, अब क्या दिखा रहे हैं? देवराज लखनऊ। मेरे ख्याल से अभी भैया के फोन पे फोन भी आया था, भैया ने फोन काटा उनका देवराज जी का। तो भैया देवराज लखनऊ का फोन आ रहा था। तो भैया ये कितने का रहेगा पौना? ये लंबे फर्मे का देवराज का 20 रुपए का रहेगा। 20 का रहेगा। इसमें जो गोल फर्मे का भी आने वाला है वो 22 रुपए का रहेगा। ओके,
और रहेगी लखनऊ की पतंग, लखनऊ की पतंग। चलिए बाकी थोड़ा सा धूप लगवाइए पतंगों को, क्योंकि मौसम नमी का है, वेदर बहुत नमी है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो भैया पतंग को जरूर धूप लगाइए अपनी और ध्यान रखिए पतंगों को। कहते हैं ना कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, बच्चों के लिए भी कुछ लेके आए हैं, खासकर जो होता है ना सीजन में बच्चे मांगते हैं थोड़ी सी बड़ी पतंग, तो भैया कहाँ की पतंग रहने वाली और कितने की रहने वाली है ये? जयपुर की पतंग है और इससे सस्ती मेरे ख्याल से दिल्ली में पौनी कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा जी, कितने? ये डिजाइनर पौनी मात्र 8 रुपए। अरे 8 रुपए डिजाइनर पौने बटर पेपर के ऊपर, वो भी देख लीजिए। हल्की सी धूप लगाइए इसमें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा भैया, थोड़ा घुमा के दिखाएंगे एक बार, देख लीजिए यहाँ पे पीछे से भी देखेंगे तो पतंग ऐसा दिखने वाला है। तो 8 रुपए में आपको मिलेगा बटर पेपर का पौना, वो भी डिजाइन के अंदर, क्या बात है। ये डिजाइन देख लीजिए, ब्यूटीफुल डिजाइन तो एक से एक बना रखे है, बढ़िया भैया। तो ये सब 8 रुपए के रहने वाले, 8 रुपए के सीजन स्पेशल, सीजन स्पेशल। अरे वाह, क्या स्टार सब कुछ कर रखा है इसके अंदर। तो भैया अगर बच्चे बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट पतंग है ये वाला, जब भी आते हैं भैया ये वाला डिजाइन आंखों वाला। 8 रुपए में भैया मंजोली मिलती है, तो 8 रुपए में आप पौना दे रहे हैं तो ठीक है। और जो छतों से उड़ाते हैं भैया, ये कुछ पतंगे आ चुकी हैं सीजन के लिए, बच्चे मांगते हैं और बच्चे अगर आप अपने हाथों का उनके लिए ले सकते हैं। पतंगे फटती जल्दी से नहीं है वाली। और ये भैया कितने की रहेंगी पतंगे? 7 रुपए, 7 रुपए की रहने वाली है ये पतंग, देख लीजिए। इसमें एक डिजाइन ये मिल जाएगा जिसको बच्चे चमगादड़ भी कहते हैं, तीन तीले, मतलब तीन तिले वाली, चार तिले वाली, एक किले में तीन खड्डे हो गए और एक कमानी हो गई, ये भी उसमें कलर हो गया। तो ये सब कितने की रहने वाली? मात्र 7 रुपए, 7 रुपए की रहेगी। तो ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, अगर आप आते हैं बच्चों के साथ तो बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। और उसमें कुछ बड़ी पतंग जिसे मछली बोलते हैं मेरे ख्याल से, ये मछली पतंग जिसे बोलते हैं, ये भी मिल जाएगी आपको। तो भैया ये कितने की रहेगी बड़ी पतंग? 10 रुपए, 10 रुपए की रहेगी। क्या आई थिंक बड़ा साइज होता है थोड़ा सा? हाँ जी भाई, चलिए। इसमें ठड्डा तावे का लगा हुआ है। ओके बहुत बढ़िया, तावे का ठड्डा है और पौनी की कमान है। ओके, बड़ी पतंग दी भी रही है, काफी लंबी पतंग लगी हुई है। सबसे मेन, जी हाँ, जिसके लिए ये दुकान फेमस है अपनी बड़ी पतंगों के लिए, और मोनू भैया ही बनाते हैं, उनके फादर बनाते हैं और अब आगे कृष भैया बनाते हैं। तो लास्ट टाइम कवर किया था, उम्र है खाली 18 साल इनकी, लेकिन पतंगे अच्छी बनाते हैं और बता रहे कुछ नए ऑर्डर्स आए हैं। तो ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं बोले? ऑर्डर्स मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में नगर से भी आया है, काफी ऑर्डर तिलकनगर से आया ऑर्डर। ओके, और आपकी वीडियोस देख के भी कई ऑर्डर्स आए हैं लोगों के, तो बड़ी पतंग के ऑर्डर, बड़ी बड़ी पतंगों के लिए ऑर्डर आए हैं। तो उत्तम नगर पंजाब, सारा पंजाबी एरिया, हाँ, सारे बड़ी पतंग उड़ाते हैं, वो सारे सबसे ऑर्डर दिए हैं। अरे उत्तम नगर, तिलक नगर, अभी तो और ऑर्डर, पटेल नगर और अपना जनकपुरी और लक्ष्मी नगर। ओके, तो यहाँ से मुझे ऑर्डर आए हुए हैं। चलिए, तो पढ़ाई कर रहे हो ना, एग्जाम्स है ना, उसको वो पहले करना है। तो अब दिखाते हैं ऑर्डर पे क्या क्या बनाया, लास्ट टाइम हमने कवर नहीं की थी भैया। ये आई थिंक डेढ़ तावा ही शायद, ये तावे और डेढ़ तावे के बीच का साइज बनाया। ओके, तो ये भी एक अलग हो गया, मतलब ना ये डेढ़ है ना। हाँ, ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर ये डिजाइन बना के दिया गया। मैं ये देखाऊंगा भैया, ये वैसे कमान छड़े चेक कराएंगे भैया, बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे कमान छड़े ना, मतलब ऐसा नहीं कि भैया काम किया हुआ है इसके ऊपर, देखिए। और ये कितने का पड़ेगा बताएंगे वाला? ये 90 रुपए का, 90 का। और डिजाइन देखिए, डिमांड बनाया आपने वाला। और ये देखिए मोनू का सेंटर, अरे ये चीज आई ना समझ में, ये चीज ना, मतलब मैंने पंजाब में बहुत कवर करी है, ये लगाते हैं इसे ना, कहने का पतंग की शो बढ़ जाती है और देखने में पतंग कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा लाइट यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो 90 रुपए की पतंग रहेगी ये वाली। हाँ, और बताया था आपने कि इसके कुछ छोटा मिनिमम 5-10 देने ही पड़ेंगे आपको। हाँ जी, ये वाला हो गया, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा आ गया है ना, डेढ़ तावा पूरा साइज है ये, डेढ़ तावा, ये डेढ़ तावा। और ये जो नीचे जो पत्ता बोलते हैं, बड़ा पत्ता लगा है इसको, छज्जा, इसको छज्जा बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं। इसके भी कमाई दिखाते हैं आपको, और छज्जा दिखाते हैं, देखिए चालू पतंग नहीं मिलेगी, काम की पतंग मिलेगी ये वाली। विकृष भैया बहुत पुराना काम, मतलब मोनू भैया बहुत पुराना काम कर रहे हैं ये वाला। तो मोनू भैया ये डेढ़ तावा कितने का रहने वाला है? ये 100 रुपए का। अरे वाह, बढ़िया, मूछ वूछ बना के अल्टीमेट, मजा आ गया। ये 100 का रहने वाला है। अब आगे चलते हैं हम, ये उससे ही बढ़ेगा कि तीन तावा? ये तीन तावा, तो लास्ट वीडियो में बताया था कि बनना है, पेंडिंग में था वो, ये तैयार हो चुके हैं।
तो कृष भैया कितना टाइम लगता है इस पतंग को बनाने में आपको? मेरे को कीले छीलने से लेके पूरे के पूरे 2.5 घंटे लगते हैं बनाने में। एक पतंग बनाने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। तीला छीलना भी खुद होता है आपको? तीला छीलना, पूरा कागज जोड़ना, सब कुछ। और ये पतंग बहुत बड़ा 3 तवा पतंग है, नीचे ये छज्जा बना रखा है। देखो पूरी सिकाई करके बनाया गया है। हाँ ये देख लीजिए भैया, देखते सब देखते ना, देखिए कलर नहीं है ये, सिकाई किया हुआ छड्डा है ये, और बहुत प्यारा लग रहा है ये। अच्छा लगा दिल्ली में भैया बड़ी पतंगों को बनते हुए देख के। कमान भी बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, अरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हो यार, मजा आ गया पतंग देख के। ये भैया डिजाइन देख रहे हैं, ये मूछ वूछ बिल्कुल ताप देके एकदम से, और ये डिजाइन मिलेगा। तो ये कितने की रहेगी पतंग? 250 की रहने वाली है। इसका ऑर्डर मिनिमम आई थिंक 5 बताया था आपने, 5 पतंग का मिनिमम ऑर्डर। तो भैया ये कोरियर तो नहीं होगी, तो आपको आना ही पड़ेगा? नहीं, आके लेके जाना पड़ेगा, कोरियर नहीं हो पाएगी। ये भी 3 तवा ही है, इनको उड़ाने का मन है, कभी ट्राई करेंगे उड़ा के इनको भी। और पतंग देख लीजिए भैया पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे कृष भाई, ऐसा नहीं है कि भैया कुछ चालू काम हो, कमान छड्डों पे काम किया गया प्रॉपर तरीके से, छिलाई की गई है, सिकाई की गई है, और 2.5 से 3 घंटे देते हैं एक पतंग को बनाने में, मान रहे हो। और पतंग का मिनिमम ऑर्डर रहेगा 5, तो अगर आप दिल्ली में आसपास रहते हैं तो जरूर उड़ाइए इन पतंगों को, क्योंकि बहुत डिजाइन देखिए। और ये बच्चों का रिएक्शन देख रहे हो, उई क्या बात है, बच्चे मन के सच्चे, बहुत प्यारा डिजाइन भैया, बहुत प्यारा। इसको तो टाइम और लगता होगा, मतलब इतना कुछ करने के अंदर, तो अल्टीमेट यार मजा आ गया। ये भी 250 रुपीज है। 250, अच्छा डिजाइन बढ़ने के बाद भी 250 रहेगा? हाँ, जिन्होंने कस्टमाइज करवाना है उनका अलग है प्राइस, उनका अलग रहेगा। कृष भैया के पास माइक नहीं है, बोल दूं कि बता रहे हैं कि कस्टमाइज करवाना होगा थोड़ा सा उसका प्राइस बढ़ जाएगा, वैसे इतने तक के आपको 250 में मिल जाएंगे, बाकी आपको नाम वाम डलवाना कुछ भी हो तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। एक लेटर का एक बढ़ जाता है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये बड़ा है ना, मेरे ख्याल से ये 4 तावा है, ये 4 तावा हो गया। अच्छा मोनू भाई आप भी यहाँ पे, कृष भाई आप भी यहाँ पे, जैसे हमारे में कहते हैं कि जो होती है कमानी, अगर 4 हाथ चढ़ी हो या 5, तो उसकी वजह से डोर की पकड़ कहीं ना कहीं जो होता है, डोर की जो होती है कि चाल चेंज हो जाती है। हाँ जी। तो इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, इसमें कंधे बांधो, टाइट करके कंधे बांधने बस। ओके, भारी जो यहाँ पे आप होल करेंगे, जहाँ पे आप होल करेंगे उसको कस के बांधना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना। ओके, कंधे बराबर करते ना, वो बराबर नहीं करने, हल्का सा ऊपर रखना है। ओके, ताकि हल्की सी मूवमेंट रहे, चक्कर नहीं लगी है बिल्कुल भी, खड़ी हो जाएगी जाके, बहुत टाइट हो जाती है। ओके, मैंने उड़ा के देखी है। और इसका आगे का कन्ना बहुत छोटा रखना पड़ता है। ओके, तभी बहुत टाइट हो जाती है। अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था ना, जो मैं पूछ रहा था कि हमारे में 4 हाथ चेक करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये 4 तावा रहने वाला, भैया थोड़ा पलट के दिखाएंगे कितना बड़ा पतंग है, देख लीजिए। ये ऑर्डर बनी किसी के? अच्छा ये भी ऑर्डर बनी है, किसी ने ऑर्डर दिया हुआ है। अरे बहुत काम किया यार इसके ऊपर यार, और बच्चों की रिएक्शन देख के बड़ा मजा आता। ओए ये भी आपको 2.5-3 घंटे लगते हैं पतंग बनाने में, तो कटिंग वटिंग सब खुद करते हैं आप इसके ऊपर। ये कितने का पड़ेगा 4 तावा? 350 का बनेगा। आई थिंक यहाँ पे 6 तावा तो डिमांड में नहीं है, 6 तावा बन जाएगा, 6 तावे का ऑर्डर है, 2 पीस का ऑर्डर आया, मिनिमम 2 ही मिलेंगे, उससे कम नहीं। अच्छा, और कितने का रहेगा 6 तावा? 400 रुपए का, वो 400 का रहेगा। तो भैया लेकिन वो प्लेन मिलेगा, उसमें ज्यादा डिजाइनिंग नहीं होगी, जो ज्यादा डिजाइनिंग कराने उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। भैया आप यहाँ पे रहते हैं ना, तो देखिए इतनी बढ़िया पतंग आपको दिखाने के लिए, अपनी शॉप रखने के लिए, तो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, बता दें कि मिनिमम 5 रहेंगे, और इससे बड़ी करेंगे तो मिनिमम 2 का रहेगा। और पतंग कितनी साफ है, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा बीच में वो आ गया था, शोर आ गया था। तो ये पतंगे आपको मिनिमम, मतलब ये तो 5 मिल जाएंगी, बाकी इससे बड़ी जाएंगे 2 रहेंगी, और डिजाइन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करने बड़ी भी मिल जाएगी, पेपर भी मिलेगी और पन्नी भी मिलेगी। अरे दोनों में कहाँ रहे हो कृष भाई, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, और बहुत बढ़िया पतंग बना के दिखाई है, ये मजा आ गया देख के कृष भाई, दिल खुश हो गया। इस बार बनाई नहीं है मैंने, अभी पेपर पढ़ा सब कुछ, मैं बना के अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। डेफिनेटली, तो भैया ये पतंग भी मिल जाएगी आपको, ये भी ऑर्डर पे जा रहा है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। कवर के हमें पतंगे दिखाई, इवन खास हम पतंग दिखाई कृष भाई के हाथ की, जो बढ़िया पतंगे थी, 1 तावा 2 तावा 3 एंड 4 तावा, ऑन डिमांड 6 ही बन जाता है यहाँ पे। उसके अलावा वन ऑफ दी ओल्डेस्ट काइट शॉप है हमारी दिल्ली की, सिंस 1948। तो हमने पतंगों में काफ़ी कुछ कवर किए हैं आपके लिए भैया, 12 रुपये की पोनी भी लाए हैं, 8 रुपये की पोनी भी लेके आए हैं भैया, उसके अलावा अद्दी में 16 में बहुत कुछ डिज़ाइन ले आए हैं, और 17 रुपये की आपको बताएगी प्रयागराज की अद्दी मिल जाएगी, जो हम दुर्गा अद्दी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं भैया मांझे में, तो मांझे में अपने पास क्या क्या रहने वाला है? अब मांझे में मेरे पास ज़्यादातर सभी ब्रांड मिल जाएंगे, इदरीस अहमद का मिल जाएगा, सिकंदर का मिल जाएगा, MM की डोर मिल जाएगी, बशीर बेग का मिल जाएगा,
और इजाज़ बेग की मिल जाएगी, जो भी आपको डोर चाहिए काला सोना मिल जाएगा। और जिस व्यूअर्स को भी, जिस कस्टमर को भी चाहिए, वो एक बार कॉल करके ज़रूर आएँ, और जो भी उनको मांझा चाहिए उनको रेट और मांझा दोनों दिखा दिया जाएगा। चलिए, तो भैया का नंबर आपको मिलेगा, लास्ट टाइम मैंने नंबर दिया था, एड्रेस बताया था, बहुत इजी एड्रेस है, काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत आराम से पहुंच गया था हम यहाँ पे। फिर से एड्रेस बता देते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए भैया, यहाँ पे ये रहने वाला है गली डोर वाली मेन बाजार पहाड़गंज, नियर बाय रहेगा मेट्रो स्टेशन आपका आर के आश्रम। अगर आप आते हैं नई दिल्ली की तरफ से तो भैया वहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस ही रहने वाला और होटल हरी प्योर को, राइट भैया। और लास्ट में आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब व्यूअर्स से, माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्लास्टिक और नाइलॉन मांझा उड़ाने से रोकें। अगर कोई लेके आए तो उनको प्लीज़ डिस्ट्रॉय कर दें, ये मांझा जानलेवा है, इसको ना इस्तेमाल करें। केवल और केवल कॉटन के धागे का ही मांझे जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल करें। डेफिनेटली भैया थोड़ा ध्यान रखिए, काफ़ी दिक्कत आ रही है और वो आप समझ जाएंगे वीडियो देखेंगे तो। थैंक यू सो मच भैया।